हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष काक, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल, गाजियाबाद। आज 28 जुलाई है और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आज मनाया जाता है। इसी हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में हम जागरूकता एक अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपसे हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। हेपेटाइटिस एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हेपेटाइटिस मतलब लिवर का सूजन, लिवर का इन्फेक्शन, लिवर में प्रॉब्लम आना और जॉन्डिस आना। वर्ल्ड वाइड भी ये प्रॉब्लम है, हमारे देश में भी ये प्रॉब्लम है और कई सारे मरीज इसके कारण परेशान हैं, बीमार हैं और कई मरीजों को पता भी नहीं रहता कि इनको हेपेटाइटिस चल रहा है। हेपेटाइटिस चार प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। इसमें से जो हेपेटाइटिस ए और ई है, वो हमारे शरीर में खाने पीने से गलत पदार्थ अंदर गया, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, जिसको फीको ओरल रूट बोलते हैं, उसके जरिए आता है और ये 4 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है। 90% रोग मरीज इस रोग से ठीक हो जाते हैं। किसी किसी को कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, कभी कभी एडमिट रखना पड़ता है और ट्रीटमेंट आईपीडी बेसिस, एडमिटेड बेसिस करना पड़ता है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है, इसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोला जाता है और ये हमारे शरीर में कंटेमिनेटेड नीडल से, सिरिंज से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या मदर टू बेबी या फिजिकल रिलेशन से आता है। और ये साइलेंट हेपेटाइटिस होता है, इसका आदमी को पता नहीं चलता जब तक लिवर एक्सट्रीम 80% 90% डैमेज हो जाता है। जब लिवर अधिक डैमेज होता है तो जॉन्डिस करके आंखों में पीलिया आता है, पेट में पानी भरता है, कभी कभी खून की उल्टी आती है और सिरोसिस नाम की एक बीमारी होती है। तो हेपेटाइटिस बी और सी के लिए बेस्ट तरीका ये है कि कंटेमिनेटेड नीडल, सिरिंजेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इस सब का ख्याल रखना चाहिए ताकि ये एक आदमी से दूसरे आदमी में ना जाए। और हेपेटाइटिस बी एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, जिसका वैक्सीन है। यदि किसी ने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं लगाया तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि इसका वैक्सीन लगाइए। हेपेटाइटिस बी के 3 डोज होते हैं, जिसको 0, 1 और 6 बोला जाता है। मतलब आज पहला डोज लगा, 1 महीने के बाद दूसरा और 6 महीने बाद तीसरा डोज लगा, तो आप हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस सी का ऐसे कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए बेस्ट ये होता है कि बीच बीच में आप कभी हेपेटाइटिस बी और सी का एक बार चेक करा लीजिए। सिंपल टेस्ट होता है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, तो कम से कम ये पता चलता है कि बाई चांस हमारे अंदर ये हेपेटाइटिस की बीमारी चल तो नहीं रही है। अगर ये चल रही है तो इसका ट्रीटमेंट है, इलाज हो सकता है, आपका लिवर आगे डैमेज होने से बच सकता है। सो माई फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के दिन मेरा ये संदेश रहेगा कि आप हेल्दी खाना खाइए, कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड सिरिंज नीडल से बचिए, अपने लिवर का ख्याल रखिए, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाइए और हेपेटाइटिस बी और सी का एक बार चेक कर लीजिए कि बाई चांस आप उस रोग से पीड़ित तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।